मदर है और ये है मेरे साथ बुआ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ सोचा इनको भी ले आते हैं फार्म पे थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए। मैं हो चुकी हूँ रेडी। आपको याद होगा मैं पंजाबी आंटी गई थी हरप्रीत भैया के वहाँ होटल में, तो आज हम उनके फार्म पे जाने वाले हैं। उनका छोटू सा बेबी है, वो भी ब्लॉगिंग करता है, तो आज मैं उसके साथ ब्लॉगिंग करने वाली हूँ। भैया के फार्म पे जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भैया ने फार्म पे क्या क्या उगाया हुआ है। तो भैया आ गए। भाई मैं चलती हूँ। अच्छा हाय बोलो, अभी शुरू किया मैंने। हाय अभी बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ चलो। ओके भाई देख रहे हो, ये भतीजा है मेरा। ओहो अचार डल रहा है, आम का अचार डल रहा है इधर। दादी अंदर है। चलो आप लोग देखो ये दिखाती हूं, ये वाला मूवी ये देखो। ये है मेरे पापा का ऑफिस। अच्छा और अंदर से भी देखने में लग रहा है ये तो यहां पे कमाल की चीज है। क्या है? अगर आप वहां से घूम के आए तो इस तरीके से गेट को बंद करके चल सकते हो। ओह वाओ। और बाकी ये ना चेयर जिसको हम लोग बैठ के लैपटॉप पर काम करते हैं, और ये है चलते हैं। चलो रूम कितना बड़ा है। लाइट ऑन करें। ये है इसके पापा और मम्मी, मतलब भैया और भाभी। तो हाँ इधर है भैया और मम्मा, सुनो इसकी दादी। सुनो, हाँ ये वाला पेन मेरा है। ओके लेकिन आप तो फार्म पे कभी कभी आते हो, कभी कभी आते हो ना। हाँ लेकिन जब मैं छोटा था बचपन में तब मैं सोता था। अच्छा अब बचपन में छोटे थे, अभी भी तो आप छोटे हो। मैं बड़ा हो गया। अभी आपको इस चीज है, ये है ये वाला रूम है दादी का। अच्छा ये दादी का रूम है। ओके ये दादी का रूम है। मैं कौन हूँ पहले बताओ। हाँ जी अच्छा। आराम से मतलब। ओके अभी इसमें पानी नहीं है। अच्छा अपना नाम तो बताओ, अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। क्या है? हरदित। कुछ नहीं तो यहाँ नहीं जाते हैं। ओह सब भैया के फार्म की गाय है। हाँ दूध देती है। अच्छा दूध देती है, आप पीते हो? नो फाइज में आ गई हूँ भैया के फार्म पे और यहाँ पे हमारे साथ है। मैं नाम भूल जा रही हूँ बार बार, नाम बताओ पहले। ये मेरा नाम हरदित है। हरदित राइट राइट हरदित है। तो अभी हम यहाँ पर भैया की तरह आ गए, राजनाथ सिंह के साथ, स्मृति ईरानी, काफी लोगों के साथ है भैया। ठीक है आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे फार्म में क्या क्या होता है। चलो तो आप चलो कैमरा निकालो। बताइए। ये है मेरे पापा का सबसे अच्छा पियानो। ओह वाह आपको आता है बजाने? हाँ आता है, पापा ने बहुत बचपन में ट्राई किया उसको बजाने। अच्छा आपने सिखाया पापा को? हाँ जब छोटे थे मैंने सिखाया पढ़ा। जब पापा छोटे थे तब आपने सिखाया था? हाँ वेरी गुड। ये ना सीड्स है खाने वाली जिससे
पापा खा के हेल्दी होते हैं। बाकी मैं आपको सलाह भी सलाह दूं। तो अभी आपको हम हवा ट्रैक्टर दिखाते आ जाएंगे। क्या ट्रैक्टर दिखाओगे आप अपना? ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सारी भैया ने वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं, फ्रूट्स लगाए हुए हैं, गाय पाली हैं, डॉग पाले हैं। वाओ बड़ा है, आओ वेट वेट, पापा काम कर रहे हैं ना अभी। जल्दी आओ, चलो ये वाले वेजिस, यहाँ से चलो, यहाँ से आपको चलो। यहाँ पे कैप्सिकम लगा गाइस। हाँ, आप चाल भी लगाया ताकि कुत्ता अंदर ना घुस पाए। हाँ वेरी गुड। वही हरदीप है हमारा लिटिल फार्मर, इसने हमें सब चीजें दिखा दी आज। आपने अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो मेरे को 1 मिलियन लाइक, और अगर 2 मिलियन लाइक्स हो गए तो मैं क्या होगा कि भाई हो जाएंगे 2 मिलियन लाइक्स कर दो भाई इसके लिए। हाँ ठीक है। ये ना गाजर की खोद नहीं है, ये कुत्तों की लड़ाई करने की जगह है। अच्छा नींबू दिखाएंगे, चलिए एक मिनट देखने दीजिए। यहाँ पे नींबू नहीं, चिड़िया है। नींबू लगे हैं, एक नींबू है। ठीक है देखो आपको दिखाता हूँ नींबू का अलग है। किचन में मत जाओ, ये देखो ये कांटे भी हैं इसमें, देखो उधर भी नींबू का पेड़ है एक। हाँ जी कौशल्या फार्म, देखो भैया की सारी वेजीज वगैरह सारा कुछ, खीरे आम कट रहे हैं अचार के लिए। ये देखिए जी यहाँ पे आम कट रहे हैं जी अचार के लिए, और ये क्या देख पास कट रहे हैं। हाँ जी, और ये हमारे क्या देख, आप खाते हो आम का अचार? हाँ मैं आम का अचार कभी कभार खाता हूँ अपने घर में। भैया बनाते हैं अचार? हाँ फिर ये इनको मशीन में डालते हैं, फिर ये फिर रोल रोल करते हैं। बाकी देखो यहाँ पे स्कूटर भी लगी हुई है, ये है सुपर बाइक, ये है नॉर्मल बाइक। ओके अच्छा आप किचन दिखाओगे आप मुझे? तो ये है हमारा किचन और ये है मेरी माता, देख सकते हैं। हाँ मिल ली मैं माता जी से। हेलो गाइस, हमारे पोते के लिए 1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन लाइक के लिए बोल रही है दादी। अच्छा आपको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये मैंने ना पापा से सीखा है, पापा ने मुझे ब्लॉग बनाना सिखाया है। वेरी गुड। ये यहाँ पे ना आराम आराम चलो। हाँ जी चलो। ये क्या है? ये ना चावल काटने वाली मशीन है जिससे चावल निकलते हैं। जिससे चावल निकलते हैं ओके। हाँ, और ये है सिलेंडर जिससे सारे चावल रफ होकर टेस्टी बनते हैं। वेरी गुड। और ये देखो आपको ये रहा लिटिल फूड जहाँ पे मैं लास्ट टाइम खाता था। ओह यहाँ पे आलू है, ये आपने आलू निकाले थे ना उस दिन, मैं आपका वीडियो देखा था व्लॉग। हाँ आपने तो, आलू निकाले थे जो। हाँ तो चलो आ जाओ मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। क्या दिखाओगे? ये देखो मेरा स्विमिंग पूल। ओह जो ये मेरा बचपन में छोटा था ना, मैं नहाता था ऐसे छप छप कर रहा। अच्छा बचपन में छोटे थे, अभी आप बड़े हो गए हो। हाँ तो अभी मैं बड़ा स्विमिंग पूल में तो करूँगा। बाकी ये मशीन है जिसमें देख सकते कितना है। बाकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टंकी है। वेरी गुड। भाई इतनी एनर्जी कहाँ से आती है इस लड़के के अंदर, मैं तो थक जाती हूँ इतना ब्लॉग बनाने में। अभी सांस ले लो, थोड़ा पानी पी लो आप। तो चलो आपको क्या हो रहा है, अचार डल रहा है, देखो दिखाते हैं कि पानी कहाँ होता है। ये देखो यहाँ पे ना अचार डाल रहे हैं। वाओ और वहाँ पे हम अचार बन रहा है। मेरा नाम अर्दित है और मैं पंजाबी में रहता हूँ। पंजाबी में रहता हूँ? हाँ मैं हांडी में सारे काम करता हूँ, जो भी सारे स्टोर से सबको समझा दो कि ऐसे कुछ नहीं करना, सारा खाना सही लगाना है। सारा खाना सही लगाना है और ऑर्गेनिक फूड देना है ना? हाँ ऑर्गेनिक फूड देना है, और हमारे कस्टमर जहाँ भी होते हैं ना, हांडी 1 हांडी 2 हांडी 3, हमने हांडी 3 बनाई है, और वहाँ पे स्टोर से ना सबको संभालना मुश्किल है। तो मैं
साथ, मैं और बुआ मेरे साथ। तो मैंने उनको बोला चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते, तो हमने थोड़ा पानी पिया, फिर हम चलो थोड़ा सा और इंटरडोर ले लेते, थोड़ा सा फिर हमको बैठना पड़ेगा। चलो चलो, तो यहाँ पे डैड नहीं है हमारे, डैड बाहर है। चलो, तो ये जो चीकू का पेड़ है इसको हमने इस तरीके से छांटा है नीचे से कि कोई भी इंसान इसके चीकू ना तोड़ पाए। इसकी जो हाइट हमने 15-17 फीट रखी है टहनियों की, इसका जितना भी फल लगे वो 15 फीट से ऊपर ही लगे, ताकि ये चिड़िया और पंछी जो है इस चीकू का आनंद ले सके। और हमारी ये सोच हमारी जो है ईश्वर ने इन तक भी पहुँचाई, और हर सीजन में 22 से 25 घोंसले ऑर्गेनिकली लगते हैं। तो एक तरीके का ऑर्गेनिक बर्ड हाउस कह सकते हैं आप इसे। हाँ। गुरैया एक चिड़िया है जो आजकल लुप्त हो गई है, ये टोटल गुरैया के घोंसले हैं, ये टोटल गुरैया के घोंसले हैं। और अभी तो आप हरे रंग में आपको जो दिख रहे हैं, अभी ये 8-10 घोंसले लग गए हैं, और ये 22-23 हो जाएंगे बरसात आते हैं। जैसे कि मतलब ये लगाए हुए नहीं है, 2-3 नेचुरल बना रही है। हाँ उधर देखो, और ये 22-23 बनेंगे। ओह गॉड। और अगर आप यहाँ पे रात में रुकते हैं और सुबह में, आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक 6 बजे ही आपको जगा देते हैं। और इतना मधुर अलार्म है इनका कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि खुद परमात्मा आपको जगा रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब आनंद हमें आता है जब हम ट्री हाउस को देखते हैं, बर्ड हाउस। मुझे लग रहा था लगाए हुए, ऐसा लग रहा था बिल्कुल लगाए हुए हैं। ओह ऑर्गेनिक है। मैक्सिमम इसमें 33 लगे अब तक। अच्छा, अब तक जो टोटल घोंसले हमने काउंट किए वो 33 थे लास्ट टू लास्ट। फिर आंधी में गिर जाते हैं। हाँ। फिर दोबारा घोंसले बनाते हैं। सही है, ब्यूटीफुल है यार। ये आप देखिए 2023, ये पिछले साल का है, 2023 का नहीं है, 2023 है। पापा बोल, ये दो, ये खाली हो गया, अभी इससे चल रहा है, ये भी यहाँ तक आधा खाली हो गया। तो ये 2 ड्रम और इसके बाहर 2 ड्रम। अच्छा, कोई चीज दिखा दो। तो ये 2000, ये 24 का, ये 23 लिखा हुआ है। तो ये 10 क्विंटल 20 क्विंटल और 2 ड्रम बाहर। तो अभी यहाँ पे देखिए 40 क्विंटल हमारे पास जो स्टॉक है वो हमारे तीनों आउटलेट से, 2023 का तीनों आउटलेट के लिए 40 क्विंटल स्टॉक जो है हमारा 4-5 महीने के लिए पर्याप्त है। फिर उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। उड़द की दाल है 2023, ये पूरा दाल से भरा हुआ है। और ये देखेंगे आप इस तरीके से, ये देखिए नीम, जैसे सुखा के नीम डाला जाता है ना, और ये एकदम जैविक हमारे खेत की दाल है, ऑर्गेनिक, कोई इसमें पॉलिश नहीं है, और ये देसी बीज है, ये जीएमपी जो है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज नहीं है, ये देसी बीज है अपना उड़द का, पुराने समय में जैसी देसी लगाई जाती है। तो ये दाल मखनी में टोटल सालों से यही दाल यूज होती है, टेस्ट आता है। तो दाल मखनी या पंजाबी हांडी की किसी भी ब्रांच में खाते हैं, तो यही दाल मखनी जो है वो इसी दाल, उड़द की दाल को हम यूज करते हैं। गार्लिक का स्टॉक। अच्छा, पहाड़ से बीज को सोर्स करते हैं, पहाड़ से बीज को सोर्स करके ये लाल वाली गार्लिक है, ये जनरली आपको प्लेन में नहीं मिलेगी। हाँ, ये वाली मैंने नहीं देखी, ये पहाड़ पे ही होती है। हाँ, अच्छा, ये पहाड़ की गार्लिक है, सारी वही गार्लिक है। ये भी करीब हमारे पास 7-8 महीने का स्टोर है, फिर मेरी पहाड़ जा जाएगी, मेरे पास पहाड़ पे भी लगी है ये। तो मैंने ऐसी कई क्रॉप्स, जैसे मैंने प्लम्स हैं, पहाड़ के प्लम्स यहाँ लगाए सर्दियों में, वो भी हुए। और प्लेन्स में अगर आपको इतना साइज मिल रहा है तो ये अच्छी चीज है, साइज भी अच्छा है। अच्छा, ये ब्रेक है, ओके। और ये चलाने वाला जिससे ट्रैक्टर चलता है, स्टीयरिंग भी लगा हुआ है। ओके, मीटर लगा हुआ है, मीटर का। ये ट्रैक्टर के ऊपर चलाऊं? ये ना, मैं ट्रैक्टर के ऊपर चलाऊं? हाय, मेरा नाम हरदीप है, और ये है मेरे साथ बुआ। तो अभी मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा इनको भी ले आते हैं फार्म पे, थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए भी। तो अभी इन ब्लॉग पूरा घर बना के लाए हैं। हाँ, हम सारा ब्लॉग बना के लाए हैं। हरदीप ने मुझे दिखाया। हाँ। शिमला मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, लीची के पेड़, चीकू के पेड़ है ना। हाँ, और हमने आपको ट्रैक्टर भी दिखाया, तो जो अपना हाँ। ना, पुराना वाला। हरदीप तो... को ट्रैक्टर चलाना भी आता है आपको? हाँ, हाँ जी। ये है ब्रेकफास्ट लग गया। नींबू के अचार है, आम के अचार है, ये आम की अचार, और ये है चम्मच, और ये है दाल, और ये है सारी चाट मसाले। आज आलू के पराठे खाएंगे। आपको अभी बहुत ब्लॉगिंग करनी है ना, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, पूरा फिनिश होना चाहिए, उसके बाद ही ब्लॉग बनेगा, ठीक है? है ना, बहुत एनर्जी लगती है ना ब्लॉग बनाने में, तो खाना पड़ता है ना। हाँ। खाओ फिर। हम लेंगे आम का अचार। आम का अचार दूँ आपको? आम का अचार बहुत टेस्टी होता है। हाँ।
देखो भाई हरजीत ने खाना खा लिया है, एक रोटी खत्म कर दी है, आधी रोटी ये भी खत्म कर दी है। वेरी गुड। आज की वीडियो यही पे एंड करनी पड़ेगी लगता है। हैं? कर दो। मम्मी आज मैं सारा खाना फिनिश करके रखा है, तो आ जाओ हम भी लोग फार्म पे जाएंगे, मैं खाना पूरा फिनिश कर दूंगा। वेरी गुड, फिनिश कर दिया। हाँ ये फोटो भेज देती हूँ अभी मैं। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है, आज का ब्लॉग कंप्लीट हो गया है ना। अब आपको दादी रूम में थोड़ा लेके चलते हैं। दादी का रूम देख लिया हमने। अरे आपको थोड़ा सा मस्ती कराते हैं। अच्छा क्या चीज़ जो गेट पे लटकी है? बेटा गेट का लॉक है, जब गेट को बंद करना होगा तो ये है लीवर, इसको अगर खींचोगे तो दरवाजा ओपन होगा। आज मैं आपको किडनैप कर लेती हूँ। तो आज बुआ जा रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय। बाय। इधर मम्मा निकाल रही हैं घर का लीची, भिंडी, शिमला मिर्च। इतनी सारी क्या करूँगी मैं, कम कर दो। भिंडी। अरे बेटा इसको लग रहा दादी यही ना रह जाए। हाँ जी यही रख लूँ दादी को मैं है? दादी को यही रख लूँ। हाँ किडनैप कर लो। किडनैप कर लूँ? आपको कर लेती हूँ किडनैप, आपको किडनैप करने में ज्यादा फायदा है। बाय बाय टाटा। तो गाइस आज का दिन तो मेरा हरदीत के साथ निकल गया और सच में बहुत मजा आया। और भैया ने फार्म पे इतनी ऑर्गेनिक चीजें लगाई हुई हैं और वही रेस्टोरों में जाता है फिर वहाँ ऑर्गेनिक फूड बनता है। तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए, तो मैंने तो अभी कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ फार्म के अंदर का दिखाया। फार्म के बाहर भी बहुत सारा भैया की जो खेती है वो सब बाहर भी है। तो बस हमने तो आज एक पार्ट दिखाया है आपको, बट हरदीत से मिलके तो मज़ा ही आ गया। तो मैं मुझे मतलब घर आ गया, अभी इतना सुना सुना लग रहा है, लेकिन उसके साथ टाइम इतनी जल्दी निकल गया पता ही नहीं चला। तो बस फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए कुंज ब्लॉग्स, देखना ना भूलिए कुंज वेव। थैंक यू सो मच। टाटा।